निकले भी सुशर्मा सुशर्मा उस युद्ध के अंदर नहीं था। जब पांडव 13वां वर्ष अज्ञातवास राजा विराट के यहां काट रहे थे, राजा कमल नयन के, जब राजा विराट के पास 1,60,000 गौ थी, 1,00,000 गौओं को सुशर्मा ले गया और जो बाकी 60,000 गव्य बची उनको पापी दुर्योधन ले गया। चारों पांडव और राजा कमल नयन उस सुशर्मा को मार के वो युद्ध के अंदर गौ छुपा के लाए थे। सुरमा, सुरमा होता है योद्धा। फिर रुक्मिणी कहती महाराज अचंभे में डाल दी शुद्ध ने। कृष्ण भगवान कहते देवी ये मर्द मानसों की बातें हैं, ये तेरा पल नहीं पड़ा। इस युद्ध में जिसने जिसी कार्य करी उसी मौत मिली। सदनों ब्राह्मण क्रम छोड़ देता है चंडाल का रूप हो जाता है, राजा क्रम छोड़ देता धारा हो जाता है, स्त्री धर्म छोड़ देती डायन डाकन वेश्या हो जाती है, और अगर साधु क्रम छोड़ देता है संसार की किसी भी किताब में उसका वर्णन नहीं। कोई कान पड़ाए तो वैसे, कोई कान पड़ाए तो वैसे वो कान पड़ाए मिलता ना। आदमी जति सती और साधु संत है जो मालिक के भजन में लोलीन है उनको आज भी हम नमन करते। कोई कान पड़ाए तो वैसे वो कान पड़ाए मिलता ना, कोई राख रमाए तो वैसे वो खाक रमाए मिलता ना, कोई मथुरा बिंद्राबन हंडे वो पेड़ बढ़ाए मिलता ना, और बहुत कहे भगवान भगत ने बिन ज्ञान लड़ा मिलता। एक ब्राह्मण दा जुजमान का धोरे, ब्राह्मण दा जुजमान का धोरे, ये खुद आगे जुजमान में रहे, अरे धन माया ने के फूको जब खुद आगे भगवान में। श्रोता जब प्रेम से सुनता है वो भगवान हो जाता है। आइए किस किस के बारे में कृष्ण भगवान ने पर्दा उठाया, उस रुक्मिणी को एक आईना दिखाया और उस युद्ध को सत्य घोषित किया। क्या बताया दिया था पंडित जी ने। उस बकरी ने कोई ना छोड़ा, याना हो चाहे शाना हो, ये देवी देवता प्रसन्न हो जड़ा धर्म ग्रंथ का गाना। साक्षी है बाबा इस बात के, आज देवता भी स्वर्ग से इस कीर्तन का आनंद लेते हैं, ले रहे हैं। ए बाबा मायराम जी, आज तेरे दरबार में आप किसी चीज की कोई कमी नहीं। सुन के देखना धर्म दर्जे के कपि वंत मांगेराम ने क्या क्या आईना दिखाया। क्या बात, सुनना प्रधान जी महाराज किया।
देवी तना जिस भीष्म पितामह का जिक्र किया वो युद्ध मगाए कोई रुक्मिणी कहती महाराज मेरी आंख बांधते हो पांडव का दादा कौरवों का दादा भीष्म पितामह की हाँ वो भीष्म युद्ध से पहले मर चुका था। रुक्मिणी अचंभित हो जाती महाराज ए महाराज गलत व्याख्यान कर रहे हो लेकिन ये सच्चाई है लोगों वो भीष्म युद्ध से पहले मर चुका था। ए महाराज कब ए देवी वो भीष्म उस दिन मर गया था जिस दिन द्रौपदी सभा में आई क्षत्रिय भीष्म होता उसका सर कट जाता लेकिन विरोध जरूर करता लेकिन उसने पीठ भी ना फेरी। वो जो युद्ध में भीष्म गया वो तो चलता फिरता हाट मास का पोता गया था वो क्षत्रिय भीष्म नहीं था। क्या बताया पहली कली में किशोरी जी राजपूत जी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं और साहब को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद देते हैं शर्मा जी को नमन करते हैं। मोहन लाल जी शर्मा जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं तहे दिल से धन्यवाद आया है। दूसरी के लिए क्या प्रकरण देखना देवी तन कर्ण का जिक्र किया। ए महाराज कर्ण से बड़ा धरती के ऊपर कोई दानी नहीं था कि देवी मानता हूं कर्ण से बड़ा संसार में कोई दानी नहीं था। सवा मन सोना रोज दान करता था लेकिन सोने के बगैर इंसान जीवित रह सकता है। ए देवी एक ऐसा घिनौना किया कर्ण एक इंसान ऐसा घिनौना कर्म किया कर्ण ने एक मरते हुए इंसान को पानी पिलाने से रोक दिया। महाराज कब छह किले तोड़ने के बाद अभिमन्यु मूर्छित हो जाता है पानी लेके चले गए। अभिमन्यु ने पानी मांगा जब एक ना पानी लेके चला कर्ण न गया जबकि उसका सगा ताऊ था निवला इसने पानी मत पिला दियो अगर इसको पानी पिला दिया तो खड़ा हो जाएगा इतना और लड़ेगा इतना अर्जुन आ लेगा। देवी पानी पानी करते अभिमन्यु के प्राण पिछे उड़ गए कर्ण का सबसे बड़ा दोष लग गया। लेकिन युद्ध में दलदल का कोई काम नहीं वो यो पानी था जिसमें कर्ण का पहिया बचा। क्या बताया गोपाल जी शास्त्री साहब 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं शास्त्री साहब को बार बार प्रणाम करते हैं। रामनाथ शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं शर्मा जी को धन्यवाद।
नारायण प्रसाद शर्मा जी पंडित जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करके बच्चों का सिर हौसला बढ़ाते हैं, तहे दिल से धन्यवाद जाता है। बाबूलाल गुप्ता जी सेठ जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, सेठ जी को धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है, भाइयों का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। ये देवी दुर्योधन का जिक्र किया कि महाराज इस युद्ध के धर धोनी दुर्योधन था, ये महाराज युद्ध में दुर्योधन को भी मार दिया गया। ये देवी दुर्योधन का तो जन्म ही गलत नक्षत्र में हुआ था, वो इसलिए जीवित था क्योंकि कौरव कुल के जो पहले के राजा थे बड़े धर्मात्मा थे। भाई ये मन करियो मन चित्त है जी जी पहले के जो राजा थे बड़े धर्मात्मा थे, नहीं तो दुर्योधन तो इतने दिन जीवित भी नहीं रह सकता था। क्या बताऊं तीसरी कहानी में, तो सारी सारा तुम मरा तो हंसो
गली एक साइड, बदन की चौथी गली एक साइड। सुनिए मास्टर जी, ए देवी तने गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र किया कि महाराज मैंने गुरु जी के बारे में पूछे। ए देवी अगर इस युद्ध में अगर किसी का दोष लग गया, योद्धा का तो फर्ज बनता था कि वो युद्ध करेगा, अगर इस युद्ध में किसी का दोष लग गया तो सिर्फ और सिर्फ उस गुरु द्रोणाचार्य का लगे। ए महाराज वो क्यों? कि देवी उस ब्राह्मण ने गलती कर, उसने चेले चेले में फर्क कर दिया। युद्ध में हथियार लेके पांडवों को मारने के लिए गया था, और अगर सामने वाले के पास भी हथियार है अपने कुटुंब की रक्षा करने के लिए उसको चलाने का अधिकार है। महाराज क्या चेला गुरु के ऊपर प्रहार कर सकता है? कि बिल्कुल कर सकता है देवी। सुनिए प्रधान जी, ए महाराज मेरे को एक उदाहरण देना। पंडित लक्ष्मीचंद ने ऐसा उदाहरण दिया, जब भीष्म का परशुराम का युद्ध होता है, जब भीष्म अंबा को उठा के लाया और परशुराम शादी करने के, परशुराम के सामने जब अंबा गई, ए महाराज भीष्म मेरे से मेरे को उठा तो लिया स्वयंवर में से, लेकिन मेरे से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि अंबा नाटकी थी। ए महाराज मैंने तो साल भूख को अपना पति स्वयंवर स्वीकार कर लिया, और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। जब परशुराम के कानों में बात गई, परशुराम कहने लगा, अम्बा तू फिक्र मत कर क्योंकि भीष्म मेरा चेला है। गोची भाई मानते हैं कि परशुराम ने क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दी, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि जो साधु संत के दरबार में गुरु के सामने जो सर झुका लेता है उसको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं। शिक्षा दी थी, लेकिन जब युद्ध होता है तो भीष्म पितामह तैयार हो जाते हैं। ए गुरु जी बोलो क्या चाहते हो? ए भीष्म अंबा से शादी कर। महाराज मैं शादी नहीं कर सकता, तो मेरे से युद्ध कर। परशुराम को घमंड था कि भीष्म मना कर देगा, लेकिन भीष्म पितामह स्वयं तैयार हो जाते हैं। परशुराम कहने लगे, भीष्म अरे मैं तेरा गुरु, कि मेरा सामना करने का इतना पल में बेरा पड़ जा। भीष्म ने बोला, गुरु जी ना चेला का दोस्त रहे जब गुरु सामने रख जाए, चेला का दोष खत्म हो जाता है। देवी सबसे बड़ा दोष उस ब्राह्मण का लग गया। क्या बताया लक्ष्मी? ओलदार साहब राम कुमार जी ड्यूटी, दरोगा जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। लोकेश ड्यूटी जी 100-100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। औदार साहब का तहे दिल से धन्यवाद। एक चीज देखना लोगो, ये नाचना ये फड़फड़ाना ये कुछ दिन में ये दुकानें बंद हो जाएंगी। एक मालिक का भजन जो साधु संतों की वाणी है वो सदा अमर रहेगी। पंडित लक्ष्मीचंद को जमाना क्यों पूछता है? लक्ष्मीचंद ने मार गिरे, लक्ष्मीचंद ने मार गिरे जब लक्कड़ हरा गाउन लग गया, मर गए दादा भर भर डोल रहता हूं लग गया, और बहुत सी दुनिया पाछा छोड़ी फिर नई नई सांग सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी ग्रंथ दे रखे, ऐसी ऐसी चीज दिखा रखी है। लास्ट में उस महान कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या बताते हैं लास्ट के भजनों में? अनमोल रतन धन दे रखा, अनमोल रतन धन दे रखा, हम इसने खोड़ लाग रहे, बिना ज्ञान यो पाप का बोझ सिर पे ढोन लाग रहे, वो रुक के देखी जगा गया, हम फिर भी सोन लाग रहे, और जो पहले वचन कहे थे उसने वो सच्चे हो लाग रहे। न्यू बता दे रहे लोगों, 100 साल पचन न्यू होगा। कह जगन्नाथ सब रोन लाग रहे, तक ब्राह्मण चाड़ा कर गया, और मानव जाति ने जिंदा हो जाति आला कर गया। क्या होता है द्वंद्र लेके कभी नहीं?
Yeah.